सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी, बिना इडली स्टैंड के सूजी और बेसन से बनने वाला ये नाश्ता बहुत झटपट से रेडी हो जाता है। इसको बनाने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है, तो चलिए फटाफट से रेडी करते हैं। सबसे पहले आप एक बोल लीजिए, उसमें डालें आप 100 ग्राम दही। दही अगर आपकी खट्टी है तो आप इसे 100 ग्राम यूज़ करिए, अगर आपकी दही फ्रेश दही है तो आप बराबर मेजरमेंट से डाल सकती हैं। अब इसमें डालें 200 ग्राम सूजी, सूजी मोटी या बारीक वाली कोई भी ले सकती हैं। फिर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब लीजिए 200 ग्राम बेसन सेम मेज़रमेंट से और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। पानी की क्वांटिटी 1.5 कप होगा, बट ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर में पानी ऐड करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, जैसे हरा धनिया, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हींग, ज़रा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए नमक, 1 चम्मच भर कर चीनी और कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे, ये जितना ज़्यादा आप फेंटेंगी उतना ही अच्छा ये नाश्ता बनता है, तो इसलिए कम से कम 10 मिनट तक आप अच्छे से इसे फेंट लीजिए। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसी तरह का बैटर आपको तैयार करना है। अब इसमें 1 चम्मच भर कर डाल दीजिए तेल। तेल ऑप्शनल है, आप डाल भी सकती हैं नहीं भी। अब डालें 1 चम्मच बेकिंग सोडा या इनो का भी यूज़ कर सकती हैं और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रहे, आपको हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। क्योंकि ये नाश्ता आपका भाप पे पकेगा, तो मैंने पहले से ही कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अगर आपके घर में इस टाइप का छन्ना अगर अवेलेबल हो तो आप इस पे बनाइए, नहीं तो आप इडली स्टैंड में भी बना सकती हैं। अब तेल से ग्रीस करके प्लेट, उसमें आप बैटर डाल दीजिए। इसको पकने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अच्छे लुक के लिए। अब इसे ढककर कम से कम हाई फ्लेम पर 7 मिनट तक पकाएं। 7 मिनट का टाइम हो चुका है, अब चलिए चेक करते हैं। चाकू की हेल्प से आप इसे चेक कर लीजिए कि ये पका है कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। अब इसे मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें। अब चलते हैं डायरेक्ट छन्ना पे बनाते हैं। सबसे पहले आप इसे तेल से ग्रीस कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखें, डायरेक्ट आपको इस पे बैटर को तब डालना है जब आपका छन्ना से बाहर थोड़ा थोड़ा भाप दिखने लगे। फिर इसके ऊपर डाल के थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए और इस पर भी मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इसे भी पकाना है कम से कम 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसे दिखा रही हूँ। अभी थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद जब आप इसे खोलेंगे, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी भी चटनी के साथ आप इसे मन चाहे शेप में काट कर इसे सर्व कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक फिर से नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार।